राधा स्वामी, आप लोगों ने दो शब्द सुने हैं। एक गुरबाणी का शब्द है जिसमें गुरु नानक साहब कहते कि मेरा कोई नाम नहीं जानता, जो कुछ करते हैं आप करते हैं, यही कहा ना। इधर दाता दयाल जी महाराज ने कहा है कि गुरु समर्थ है, तू कादी चिंता करना, वो अपना काम तेरा सारा काम करेंगे, ये कहा ना। और सवाल पैदा होता है कि हम दुनियादार क्या है, इस बात को समझकर इस पर चलते हैं। गुरु भी किया हुआ है, नाम भी मिला हुआ, फिर भी चिंता करते हैं। तुम्हारा नाम तो है ही नहीं, जब यह शरीर छूट जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम कब तक जाना जाएगा। एक पहली बारखी उरी बारखी है जो मर गया फिर चौरखा हो जाना, और वो तो बाद कोई नहीं जानता, कोई को था लेट लेट लिखते हैं, लेट फादर लिखने वाले लिखते लेट, वो मर गया है नहीं, समझ गया ना। अपने नाम पर लोग बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं, अपने अपना नाम लिखते हैं ऊपर, अपना नाम लिखते हैं। मैं किसी बड़े गुरुद्वारे में गया, वहाँ पर जो पत्थर लगे होते हैं ना संगमरमर, उस पर भी नाम लिखे हुए, उस पर भी नाम लिखे हुए, बिल्डिंगों पर नाम लिखे हुए। तुम्हारा नाम कहाँ रहेगा? नाम केवल उसका रहेगा, हम केवल नाम के पीछे। मैंने एक बात सुनाई थी, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त थे, मेरे गुरु भाई थे, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे, लेकिन बहुत ईमानदार, कभी बाजार नहीं जाते थे, कभी नहीं, किसी की चीज़ नहीं खाते थे। लेकिन मेरे बहुत मित्र थे, वो कुल्लू में थे तो बाबा जी महाराज वहाँ जाया करते थे, वापसी पर वो मेरे पास महाराज जी धर्मशाला आते थे। तो जब मैं हमीरपुर गया तो उनकी भी ट्रांसफ़र हमीरपुर हो गई, हम दोनों इकट्ठे हो गए। 5 बजे उन्होंने मेरे घर आ जाना, तो बड़ी बातें फिर हमने कर ली। मुझे कहते छोटे भाई, आपने कभी किसी को मरते देखा? मैं कहा मैंने नहीं देखा। मैं कहा क्या होता मरते आदमी को? कहते मैंने देखा। मैं क्या देखा? कहते जब आदमी मरता है तो जमदूत या धर्मराज आते हैं और वो उसको पूछते हैं कि तूने क्या किया भाई, सारी ज़िंदगी बता क्या किया। तो कहते बातचीत उनकी होती है, वो बेहोश है, उन शरीर नहीं चल रहा, उस वक्त सांस चल रहा है, तो उसकी आत्मा को पूछते तूने क्या किया। कहते मैंने क्या करना था, इसे नाक के लिए किया, मेरा नाक रह जाए, मेरी इज्जत रह जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो, मैं तो यही करता रहा। तो फिर वो अपना जूता उतार कर उसके नाक पर मारते हैं और वो नाक बिंगा हो जाता है, उसके प्राण निकल जाते हैं, ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा अच्छा भाई बातें ठीक होगी, मैंने तो किसी को मरते नहीं देखा। और सवाल दोस्त पैदा हो गया यहाँ, गुरु नानक साहब कहते कि मुझे कोई नहीं जानता, तेरा तू ही करता है, जो कुछ करता है तू ही करता है। इधर ये भी कहते हैं कि गुरु करेगा सब कुछ, तुम्हें काहे की चिंता। अब सवाल पैदा होता है वो गुरु क्या है, वो गुरु कौन सा है जो सब कुछ करता है, ये एक सवाल होना चाहिए कि नहीं। वो कौन सा गुरु है जिसका नाम हमेशा रहेगा? तुम्हारा नाम नहीं रहेगा, वो मैं आज आपको एक शब्द सुनाता हूँ, गुरु रूप न समझे कोई ब्रह्म में पड़े अज्ञान में। ये मेरी तरफ देख के पढ़ना भैया, दाता दयाल जी महाराज हमें गुरु का रूप बताते हैं। गुरु तुम्हारे से अलग नहीं है, पहली बात तो ये मान कि गुरु वहाँ रहता है, गुरु वहाँ रहता है, गुरु हम गुरु के शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये बात होती तो गुरुवाणी में जो कभी ना कहा जाता कि वाणी गुरु गुरु है वाणी विच वाणी अमृत सारे, फिर कभी सब जे कभी ना कहते गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। ये कभी साहब ने कह दिया, फिर आगे कह दिया गुरु किया है देह को, देह को मान लिया आपने, शरीर को मान लिया कि यही गुरु है। सतगुरु चीना ना, तुमने सतगुरु नहीं देखा। कभी सब कहते हैं ऐसे इंसान को 3 ताप भरमा डालते रहते हैं, वो शरीर रूप से भी दुखी रहेगा, मन से भी दुखी रहेगा, आत्मा से भी अज्ञानी रहेगा। कबीर साहब ने ऐसा कहा। तो अब वो क्या कौन सी शक्ति है जो मैं दाता दयाल बता रहे हैं वो आपको बता देता हूँ, फिर आपने समझ लेना कि हमने क्या करना है।
गोपन समझे कोए भरम में पड़े अज्ञानी। अब उन्होंने कह दिया मेरे देश में कितने गुरु हैं, पता नहीं, एक पत्थर उठाओ 10 गुरु निकलेंगे। कितने डेरे हैं, कितनी संस्थाएं हैं, कौन कितने गुरु बने हुए हैं, कोई अंत नहीं पाया जाता। तो किसी को पूछो तेरा गुरु, हाँ मेरा गुरु वहाँ रहता है, कोई आनंदपुर बताएगा, कोई तरन तरन मुझे मिलते हैं ना सभी लोग, ऐसे लोगों के फोन मुझे आते हैं जिन्होंने कोई गुरु धारण किए हुए हैं, 20-20, 25-25 साल हो गए हैं। बात समझिए, एक कल गुड़गांव से मुझे फ़ोन आया, कहता जी मुझे मेरा ऐसा ऐसा है, ये है, मैं आपके सत्संग सुनता हूँ लेकिन मुझे चैन नहीं आ रही। मुझे नाम भी बता दिया अपने गुरु का। मैं कहता तुझे चैन क्यों नहीं आ रही भाई, तो सत्संग सुना कर, ठहर जा, ऐसे नहीं काम बनेगा। गुरु को हमने नहीं समझा, हम भ्रम में पड़े हुए हैं। मेरा गुरु वहाँ रहता है। बाबा फकीर हमें यही बार बार कहते थे, तुम्हारा गुरु हुशियारपुर में नहीं रहता। अगर तुम ये समझोगे कि मेरा गुरु रेलवे पंडित ठारा हुशियारपुर में रहता है तो तुम पार नहीं हो सकोगे, ये बार बार कहते थे हमें। मेरी बात समझे, 1980 में मेरे सिर पर हाथ रख के कहा, बच्चा देख मेरे शरीर के साथ कब तक जुड़ा रहेगा, इस बूढ़े शरीर को कब तक घसीटता रहेगा, ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने कहे। मेरे आंखों में आंसू आ गए। अरे पिताजी नहीं, मैं नहीं, ये नहीं मैं कहता। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें असलियत हकीकत और सच्चाई बता दी है, अब जीवन को खुशी से गुजारो। मेरी बात समझ गए, मेरे को शरीर से अलग कर दिया। गुरु वो होता है जो तुम्हें अपने शरीर से जोड़ता नहीं है, वाणी से जोड़ता है, तो वाणी को पकड़ा करो। ये नहीं कि गुरु के लिए तो प्रेम तो होना चाहिए, प्रेम प्रेम एक और अलग चीज़ है, प्यार अलग चीज़ है, प्रेम अलग चीज़ है। प्यार वहाँ होता है जहाँ तुम्हारा मतलब है, प्रेम वहाँ है जहाँ तुम्हारा मतलब नहीं है। प्रेम बहुत ऊँची चीज़ है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। वहाँ ये नहीं कहा जिन प्यार कियो तिन ही प्रभ पायो, क्या कहा मैंने, वहाँ ये नहीं कहा जिन प्यार कियो, वहाँ कहा जिन प्रेम किए होते नहीं प्रप्राय। तो प्रेम में मतलब नहीं होता, वहाँ एक सेज है प्रेम की, तड़प की, इश्क की, लगन की, कशिश की, बस उसके साथ जुड़ा रहते आदमी, उस कशिश के साथ जुड़ा रहता है, उसको कहते प्रेम। क्या कहा मैंने, तो दाता दयाल कहते हैं कि गुरु के रूप को दुनिया नहीं समझती, सब भ्रम में पड़े हुए हैं। कैसे वो आगे लिखते हैं, सारी बात लिखते हैं, चलो पढ़ो। गुरु न समझे कोए भरम में पड़े अज्ञानी, गुरु को मानुष जान करे भक्ति का करे व्यवहार। अब गुरु को मानुष मान लिया और उनके प्रति मुट्ठी चापी करेंगे या कुछ खाने को देंगे या कपड़े देंगे, कुछ ना कुछ तो करता ही आदमी। मैंने तो नहीं किया भाई, सच्ची बात, मेरे को पैसा नहीं होता था, मेरे पास इतना धन नहीं था कि मैं उनके लिए कपड़े लाता या कोई और चीज़ लाता। तनख्वाह थोड़ी होती थी, कुछ घर माँ को देनी होती थी, अपने माता पिता के लिए भी किराया देना होता था मकान का, ठीक है, 325 तनख्वाह मिलती थी तब जब महाराज मेरे पास जाते थे। तो उनमें से सेवा, जितने लोग आ जाते थे उनकी सेवा जरूर होती थी। मेरी बात समझिए ना, उन्होंने मुझसे सेवा करवाई, सच्ची बात है, मुझसे सेवा अलग ढंग से करवाई, अलग ढंग से करवाई। क्या कि मुझे किताबें लिखने का शौक डाल दिया, अंग्रेजी में किताबें लिखने का। बिलासपुर में बैठा हुआ मानवता, महाराज का पहला एक छोटा सा किताब मानवता इंसानियत, वो मैं बैठा उसको 2 दिन में ट्रांसलेट कर दिया और बाबू ने टाइप कर दिया। बाबू बड़ा अच्छा था, कहता सर शाम को 5 बजे आ जाया करो, जितना मर्जी टाइप कराओ। वो टाइप कर दिया, वो टाइप करके मैं ले आया, महाराज जी का वहाँ चारपाई लगी होती थी, मैंने पढ़ दिया। महाराज जी बहुत खुश हुए, कहते बच्चा बहुत अच्छा, इसको छुपा दो। मैं उसी काम में लग गया,
और 17-18 किताबें लिख दी अंग्रेजी में, बढ़िया से बढ़िया, मेरी बात समझ गए। तो मेरा प्यार उधर डाल दिया, मेरी सेवा वो हो गई, उस सेवा ने मुझे तार दिया, क्योंकि मुझे पता लगा कि महाराज इस गीत में कहते क्या हैं, क्या कहा उन्होंने, वो सारा मेरे अंदर उतर गया, हर एक शब्द मेरे अंदर उतर गया, क्या कहा मैंने। इसलिए सेवा ज़रूरी है। अब ये जो कर रहा हूँ ये भी उनकी सेवा है, ये मेरा काम नहीं है, मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ। आप मेरे गुरु का रूप बैठे हैं सारे, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, मेरा यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आता हूँ कि मेरे गुरु की बात तुम्हारे तक पहुँच जाए, बस ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, इसके साथ मेरा कोई लगाव नहीं है। इसलिए सेवा ज़रूरी है। सेवा के लेवल हैं, एक शीर्षक लेवल पर होती है, शीर्षक लेवल पर सेवा वो थोड़ी कम है, मेरी बात, वो भावना प्रकट करती है, वो आपकी सभ्यता है, वो सभ्यता है आपकी कि आप किसी बड़े आदमी के पास, अपनी उम्र से बड़े के पास जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दाता दयाल जी महाराज जी को, आनंदराव जी महाराज सिकंदराबाद के थे, हैदराबाद के, तो महाराज जी ने, उन्होंने खुद बताया कि जब वो दाता के पास गए, दाता आपके पास खाली हाथ नहीं आना चाहते, हम क्या लेके आया करें, गरीब थे, मतलब धनी नहीं थे वो भी, तो कहते नंदराव नंदलाल तू चार पताशे ले आया कर पताशे जानते हैं ना, खांड के होते हैं, वो ले आया कर। यहाँ तक संतों ने कह दिया कि और कुछ नहीं है तो ध्रुव ले आया करो, घास की ध्रुव जानते हैं, घास की ध्रुव ले आया करो, वो भी अब ये भी कहा हुआ है, खाली हाथ नहीं जाना, ये कहा है, ये सेवा है, ये एक भाव है। महाराज जी ने बोला कि घर में जाओ, बच्चों के घर में गए, खाली हाथ मत जाओ, बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा आएंगे कुछ लेकर आएंगे, ये कहते थे। और किसी महापुरुष के पास जाओ तो भी खाली हाथ कभी ना जाओ, कुछ ना कुछ ले जाओ। मैं क्या लाता था, मैं बिलासपुर में था तो मैं पपीता लाता था, वहाँ बहुत मीठे पपीते होते थे, जब मैंने लाना महाराज जी के चरणों में ऐसे रखना, मत्था टेकना, तो गोपाल लिया भाई प्रोफेसर पपीता लाया है, फिर उन्होंने चमचे के साथ खाना, मुझे सामने सीर है सारा, मेरे सामने सीर, मेरे कितना आनंद आता था कि मेरे गुरु जी महाराज ये छोटा सा पपीता खा रहे हैं, आनंद आता था, क्या कहा मैंने। तो ये एक सेवा का ढंग है, कैसे भी करो, गुरु नहीं है तो उसको अंदर में पैदा करो, अंदर में सेवा करो उसके, अंदर में सेवा। मैंने अभी बताया था कि गुरु जी आ रहे हैं, आँखें बंद हैं तुम्हारी, तुम सड़क के चारों तरफ वो डाल रहे हो, क्या चूना डाल रहे हो, चूना डालते हैं ना फंक्शन में, चूना डाल रहे, मेरे गुरु जी आ रहे हैं, घर में सफाई हो रही है, पलंग लगा है, गुरु जी आ रहे हैं, आपने बड़े प्रेम से जाकर सिखा डाला, उनके रास्ते में फूल कराए हैं और घर लाकर से तुम सेवा कर रहे हैं, इसके फिल्म बनाओ। राय साहब कहते हैं, गुरु राय साहब बहादुर महाराज कहते हैं कि अपने जीवन में गुरु की फिल्म बनाया करो, फिल्म, ताकि तुम्हारे अंदर प्यार पैदा हो, क्या कहा मैंने। तो ये है सेवा जो मैं कह रहा हूँ, आगे बढ़ो। गुरु को मानो से जान करे, भक्ति का करे व्यवहार, सो प्राणी अति मोरे, कैसे जाए भोपार। भक्ति का व्यवहार करते हैं दाता दयाल जी महाराज, बातें बता रहा हूँ। नंदू भाई जी एक कमरे में बैठे, भजन में बैठे, नंदू भाई जी परम दयाल जी महाराज के गुरु भाई थे, तो दाता दयाल ने पूछा और नंदू कहाँ है, महाराज उधर बैठा है कमरे में, उसको बुलाओ। नंदू क्या कर रहा था, महाराज जी मैं आपका ध्यान कर रहा था, कहते मैं तो यहाँ बैठा हूँ तो है का ध्यान करता था क्या कहा मैंने। मेरे दाता कहते हैं नंदू भाई जी को, मैं तो यहाँ बैठा तो ध्यान किसका कर रहा था, मेरा ध्यान यहाँ कर ले तो। ये है, जितना समय मिले
अगर आपने किसी को अपना इष्ट बना लिया है, उसके पास बैठकर गुजारो, उनकी हर हरकत को देखो, उनकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश करो। वो कोशिश करते हैं, आँख मिलाते नहीं जल्दी, किसी से नहीं मिलाते, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कुदरती मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन वो जानबूझ कर नहीं मिलाते। बैठो बैठो भाई, कहाँ से आए? तांडे तो बैठो, बैठ जाओ। जब सत्संग चलता होता है तो बैठ जाते हैं। तो क्या कहा मैंने, गुरु हमेशा आपके घट में है, आपके अंदर है, अभी साबित कर दूंगा। ये भक्ति का व्यवहार नहीं है। भक्ति का क्या है, भक्ति अंदर है, अंदर है। भक्त भक्त वो है जो बटा हुआ नहीं है, जो बटा हुआ नहीं है, इधर भी दौड़ा है उधर भी दौड़ा, वो भक्त कैसे हो सकता है? जो एक जगह ठहर गया और एक को अपने दिमाग में बिठा लिया, वो भक्त है। उसको कहते हैं गुरु का भक्त। उसका गुरु हमेशा उसके अपने घट में है, शब्द के रूप में, साधारण रूप में, किसी भी रूप में तुम उसको अपने अंदर पा सकते हो। आगे बढ़ो। गुरु को मानुष जान करे सीत प्रसादी ले, गुरु को मानुष जान करे सीत प्रसादी ले, सो तो पशु समान है संशय में अटके। ये उन्होंने प्रसाद के ऊपर बोला है कि हम भी प्रसाद बांटते हैं ना, प्रसाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपको मैं बता देता हूँ, प्रसाद में ताकत है, लेकिन लोग प्रसाद खाने के लिए लेते हैं, उसको प्रसाद नहीं समझते। क्या कह रहा हूँ मैं, प्रसाद को, बात ऊँची हो जाएगी, प्रसाद को अगर बोलने वाला जा गुरु के रूप में बैठा जो है, वो अपने आप में है, उस वक्त अपने आप में है, उसका मन कहीं इधर उधर नहीं भटका हुआ, वो ये नहीं देखता कि चढ़ावा कितना आ गया, पैसे कितने आ गए, उसने क्या दिया, उसने क्या दिया, तो फिर वो गुरु नहीं है। बात समझ गए? अगर उसको कोई लपेट गुरु नहीं है और वो उस वक्त के समय की दृष्टि उस प्रसाद पर डाल देता है और जो उसको खाएगा वो कई बीमारियों भी दूर कर सकता है। क्या कहा मैंने, ऐसे भावना से प्रसाद को खाओ। ये नहीं कि मैनू आप ही दे दियो जी, मैंने देखा कई लोग मेरे से मांग लेते हैं मैनू ये भी दे दियो, वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद वो है जो मिल गया और उसको ये समझो कि इसमें एक ताकत है, उसके उसमें विश्वास रखो। नहीं तो वो कहते हैं वो पशु समान है, मूढ़ है, उनको ज्ञान नहीं है। क्या कहा मैंने, आप सत्संग में आए हो, बात को ध्यान से पकड़ते जाओ। कुछ कह रहा हूँ मैं, मन के लेवल पर नहीं बोल रहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम लोग आते हो कुछ ले जाओ, तुम्हारा जन्म बन जाए, तुम्हें दीन भी मिल जाए और तुम्हारी दुनिया भी बन जाए, तब तो मज़ा है। नहीं तो ये क्या कहते कि पैसे लग गए तो कुछ नहीं बना। वो भूखे भक्त न कीजिए ले माला अपने लीजिए, रोटी की चिंता जिन्हों है वो कभी भक्ति कर ही नहीं सकता। यदि कर्ज प्यार नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता। जिसकी औरत बड़ी कड़वा शब्द बोलने वाली है वो भी भक्ति नहीं कर सकता। जिसके घर में प्यार नहीं है वो भी भक्ति नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने, पहले घर को स्वर्ग बनाओ, घर में स्वर्ग बनना चाहिए, फिर तुम भगवान का नाम जप सकते हो, वरना तुम नहीं जप सकते। क्या कहा मैंने, आगे सो तो पशु समान है संसार में अटके, गुरुतत्व न जानी, गुरुतत्व न जानी, फिर बोलो गुरुतत्व न जानी, पूरी लाइन पढ़ो। सो तो पशु समान है संशय में अटके, गुरुतत्व न जानी, वो संशय में है, संशय में संदेह है, उनको विश्वास अभी नहीं आया,
वो विश्वासी नहीं है असल में और वो तत्व को नहीं जानते। तत्व क्या होता है? तत्व एक शक्ति है, विचार की शक्ति। विचार में बहुत बड़ी ताकत है। मन में विचार उतरता है तो मन ताकतवर है तो विचार भी ताकतवर होगा। अरे मन कमज़ोर है तो आपका विचार भी कमज़ोर होगा। और मन कब ताकतवर होता है? जब शरीर ठीक है तो मन भी ठीक है। साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, समझ रहे हो? साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। बॉडी ठीक है तो मन भी ठीक होगा, नहीं तो देखा अरे हाय 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 करते फिरते, क्योंकि मन में वो ताकत नहीं रही, शरीर में वो ताकत नहीं है। शरीर का सत्यानाश कर दिया खाने पीने में, या अपने आप का दुरुपयोग करने से अपने आप को कमज़ोर कर लिया, तो फिर वो उनको शांति कहाँ आएगी? वो संशय में रहेंगे, वो भ्रम में रहेंगे। भ्रम कमज़ोर मन वाला करता है। जिसका मन गुरु के साथ लग गया वो कभी भ्रम नहीं करेगा, वो कभी डरेगा नहीं, उसको निश्चित हो जाता है। आगे पढ़ो। गुरु को मानुष जान करे, मानुष करो विचार। गुरु को मानुष जान करे, मानुष करो विचार। सोनर बूढ़े गंवार है, भूल रहे संसार। जीवन क्या है? सोनर मूढ़ गंवार है। सोनर मूढ़ गंवार है, मूढ़ गंवार, मूढ़ गंवार। उनको समझ नहीं है। गुरु को मनुष्य समझना मूर्खता है। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। गुरु क्या है? गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु मे नमः। वो बैठा है, उसमें सब कुछ है। वो ब्रह्मा भी है, वो विष्णु भी है, वो शिव भी है, और वो पारब्रह्म भी है। पारब्रह्म मीन विशाल रूप का रूप है, विशाल प्रकाश का रूप है। प्रकाश कहाँ होता है? जहाँ प्रकाश होता है वहाँ ज्ञान होता है, जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ ज्ञान नहीं होता। इसलिए फिर आगे कह दिया, गुरु वाक्य मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। लो बताओ, कुछ छोड़ा? जिसने भी ये शास्त्र में लिखा है, जिस महापुरुष ने लिखा है या जिस ऋषि ने लिखा है, उसने सारा फैसला कर लिया कि गुरु ही सब कुछ है और वो साक्षात भगवान का रूप है, ये भी कह दिया। और हम उस बात को भूल जाते हैं, हम उसको अपने लेवल पर लेते हैं, अपनी हमारी सोच इतनी नहीं है, हम उस बात को पकड़ते नहीं हैं जो वो कहता है। इसलिए हम अपने मन के लेवल पर ही सोचते रहते हैं। गुरु इंसान के मन को नया रूप देता है। परमदयाल जी महाराज कहते थे, मैं तुम्हारे मन का ऑपरेशन करता हूँ, इसलिए लोग डरते मेरे पास आते नहीं हैं, ऑपरेशन से डरते हैं। सत्संग में मन का ऑपरेशन किया जाता है, मन की गंदगी को निकाला जाता है, मन को साफ किया जाता है और मन को एक नया रास्ता दिया जाता है। ये है सत्संग की महिमा। आगे बढ़ो। सोनर मूढ़ गंवार है, भूल रहे संसार है। तो संसार में भटके हुए हैं। संसार क्या है? एक दुनिया है, एक संसार है। संसार मेरा अपना है, दुनिया मेरी अपनी नहीं है। परमदयाल जी कहा करते थे, ये दो शब्दों से मिला, सम और सार। सम मीन सामने, कोई चीज़ जिस चीज़ के सामने आती है वो संसार है। हमारा हम जब अंदर बैठते हैं, अभ्यास में बैठते हैं, तो हमारे अंदर एक फिल्म चलती है, ख्याल चलते हैं, और उन ख्यालों को देखने वाला मन है। जब हम मन को छोड़ेंगे तो जो बाकी जो मन जब देख रहा है अंदर, जो कुछ भी मन तुम्हारा अंदर सीन देख रहा है, वो तुम्हारा संसार है। मेरी बात को पकड़ा आपने?
वो तुम्हारा संसार है, तुम अच्छे ख्याल लोगे तुम्हारा संसार अच्छा बनता जाएगा, तुम गंदे ख्याल लेते हो बैठे बैठे तो तुम्हारा ख्याल गंदा, तुम्हारा संसार गंदा हो जाएगा। ये एक नुक्ता है, मेरा संसार मेरे घट में है, मेरा संसार मेरे मन में है। इसलिए संतों ने कहा, शास्त्रों में लिखा, शिव संकल्पम अस्तु, हमेशा नेक विचार रखो, हमेशा अच्छे विचार रखो, हमेशा पॉजिटिव ख्याल रखो, तुम्हारा संसार अच्छा बनता जाएगा। क्या कहा मैंने? तो ये ख्याल ही तुम्हारा संसार है, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी नियत तैसी मुराद। फैसला इसमें कोई जय नहीं कहा कि जय चढ़ा भचड़ा हो तो तुम चल जाओगे, तुम वहाँ जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम वहाँ का यात्रा करो, कुछ नहीं कहा। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या कहा मैंने? जो तुम करोगे वही तुम्हें मिलेगा। अगर तुम पौधा ही ऐसा गंदा लगे, देखो मैं आपको बताऊँ, मेरे सतगुरु बहुत मेहरबान, मैं क्या क्या उनकी बात करूँ आपको। मैं एक दफ़ा 1969 की बात है, 1969 आप कहीं पैदा भी नहीं हुए होंगे तब तक, तो 1969 एक कम 70 तो मैं महाराज जी के पास है, मैं बिलासपुर में धर्मशाला में था तब, पोस्टिंग मेरी धर्मशाला से, तो महाराज जी प्रागपुर आए हुए थे, मैं प्रागपुर आ जाता था, ये प्रागपुर पड़ता है कांगड़ा में, वहाँ सूद साहब की फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत सेवा करते थे, तो मैं भी वहाँ 2 दिन रुक जाता था। तो एक दिन महाराज जी बैठे, मैं अकेला बैठा उनके पास, मैंने कहा पिताजी मुझे कभी कभी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता है कि मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ कि ये ख्याल मुझे क्यों आया। महाराज जी ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, कहते बेटा तू तो जवान है, तुम्हें तो ख्याल आएंगे ही ऐसे, मैं बूढ़ा हो गया मुझे भी ये ख्याल आते हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे चेहरे पर कुछ रौनक और हो गए, मतलब और मीन मैं थोड़ा सा गमगीन हो गया कि महाराज जी को भी आते हैं ऐसे ख्याल। उन्होंने एकदम पकड़ा मुझे गुरु की बड़ी बड़ी महिमा है। कहते बच्चा देख, तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे ऊपर मालिक की बड़ी कृपा है, तुम्हें ये तो याद हो जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं। किसी को तो याद ही नहीं रहता कि मैं किस ख्याल में डूब रहा हूँ, किसी ख्याल को ले लिया बुरा तो बुरा ही सोचने लग गया, बुरा ही सोचने लग गया, वो उसी में बह जाएगा, अपना जीवन बर्बाद कर लेगा। तेरे को कम से कम ये तो पता लग जाता कि ये ख्याल अच्छा नहीं, तेरे ऊपर मालिक की बहुत बड़ी दया है। मैं बड़ा शुक्र किया कि मेरे सतगुरु ने मुझे कहा कि उसकी आपके ऊपर बहुत दया है। बात समझ गए? गुरु अगर कहे कि तेरे ऊपर उसकी बड़ी दया है तो आदमी शेर हो जाता है। क्या कहा मैंने? फिर मेरे को उन्होंने लाइन पर लाया, कहते देख बच्चा, तू अगर कोई पौधा लगाना चाहे तो क्या करेगा? फूल वाला पौधा या फल वाला पौधा क्या करेगा? मैंने हाथ जोड़े, मैं कि पिताजी मैं खड्डा खोदूंगा अच्छी जगह पर। फिर क्या करेगा? मैंने कहा पिताजी उसको मैं खाद डालूंगा। फिर क्या करेगा? हमारी बातचीत चल रही है, मैं कहा पिताजी फिर मैं अच्छे मन, मेरे मन को जो अच्छा लगेगा पौधा वो मैं ले आकर उसमें लगाऊंगा। अच्छा फिर क्या करेगा? फिर मैं कहा पिताजी मैं उसकी देखभाल करूंगा, पानी डालूंगा। फिर और क्या करेगा? फिर मैंने कहा मैं उसकी बाड़ भी करूँगा कि जानवर ना खराब करें। कहते अच्छा, अगर तू उस पौधे का ख्याल ना करे, उसको पानी ना दे, उसकी देखभाल ना करे तो फिर क्या होगा? मैं कहा पिताजी वो पौधा सूख जाएगा। बस बच्चा, जो ख्याल अच्छा नहीं है उसको पानी नहीं देना। पकड़ा बात को आप लोगों ने? जो तुम्हारे दिमाग में बुरा ख्याल आए उसको पानी नहीं देना, उसको बार बार नहीं सोचना,
उसको बिल्कुल रिपीट नहीं करना, उसको मन से निकालने की कोशिश करना, तुम्हारा पौधा बढ़िया हो जाएगा। क्या कहा मैंने? ये जिंदगी को बनाने का ढंग बताया मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने। तुम्हारे अंदर ख्याल पैदा होंगे, होते हैं, मगर तुम उनकी परवाह नहीं करते। तुम मन में बह जाते हो और उसी मन में दुखी भी होते हो और सुखी भी होते हो। क्या कहा मैंने? ये सत्संग है, बात को पकड़ो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। नेगेटिव मत सोचो कि हाय क्या हो गया, हाय क्या ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए। हाय बाबा फकीर जी महाराज ने एक बात हमें तो जिंदगी बता दी, कहते तुम्हारे पाँव पर चोट लग जाए, तुमने उस पर पट्टी भी कर ली, डॉक्टर ने कहा चलना नहीं लाठी के साथ चलना, तुम लाठी के साथ चल रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ख्याल है कि चोट ना लग जाए, बार बार यही ख्याल आता है कि बड़े ध्यान से चलते हो चोट ना लग जाए। तुम अंदर ही अंदर सोच रहे हो ना, हाय चोट ना लग जाए, हाय चोट ना लग जाए, मैं वहाँ जाना हाय चोट ना लग जाए, क्योंकि तुम उसका सिमरन कर रहे हो, चोट ना लग जाए, चोट ना लग जाए, चोट एक दफ़ा जरूर लगेगी। ये उनके बताए हुए नुस्खे हैं मेरे सतगुरु बाबा फकीर के। तो ऐसे ख्याल को लेना ही क्या, मैं गिर गया पिछले दिसंबर में ऐसे पता नहीं कैसे गिरा, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्यों गिरा, ठा गिर गया। उठने की कोशिश की नहीं उठा गया, उठने की कोशिश की उठा ही नहीं गया। तो मिस्त्री काम करता था, बेटे को फ़ोन किया, ऊपर सर्दी थी, ऊपर वो दौड़ा आया, वो अकेला उठाया, मैं क्या मैं कर लेता हूँ, तो मिस्त्री ने भी बुला, दोनों ने मैंने चक्या, चक के मैंने बिस्तर च पाया, अपनी मम्मी ने सद लिया, पापा ने सद लिया, गद्दी च पा लिया, मैंने डॉक्टर को ले गए, उन्हें सारा एक्सरे वगैरह किए, फिर मैंने चलाया, कहता कुछ नहीं हुआ आपको, बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका कोई हड्डी नहीं टूटी है। मेरे को अशोक लड़का यहाँ शब्द पढ़ता है, उसका टेलीफोन गया, महाराज क्या हाल है, मैं क्या जिसने गिराया था मुझे आकर उठाएगा वही, जिसने गिराया था मुझे आकर उठाएगा वही। मैं बड़ा सुना हो गया, ठीक ठाक हो गया, कोई बात नहीं, मेरी बात समझ गए, नेगेटिव नहीं होना। अगर मैं हाय हाय करता रहता, ये हाय मेरे क्या हो गया, हाय मैंने हाय की नहीं, ये प्रेम चला गया, इसने मालिश कर करके मेरी सेवा की बड़ी, बिस्तरा बाहर लगा देना फिर गर्मी सर्दी में मालिश करनी, एक रखी चला गया, ये मेरे लिए क्या नाम है हल्दी के वो बना के ले गया पीने, महाराज जी पिताजी ये खाओ आप अपनी जल्दी ठीक हो जाओ। वो मिर्च यहाँ मेरे एक प्रेमी हैं, क्या नाम है मदन लाल जी, वो अपनी वाइफ के साथ पीनियाँ ले गए मेरे लिए, मैं कहता तुम क्यों लाए, कहते नहीं जी आपके लिए जरूरी है, ये ऐसी पिनी खाओ। मैं करने वाला सब कुछ करता है, तू काहे की चिंता करता है, जिंदगी में ऐसा होता है, जो चलेगा वो गिरेगा, जो चलेगा ही नहीं वो गिरेगा क्या। मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, तुम अंदर चलो गिरोगे, घबराओ मत, तुम्हें सहारा मिलेगा और तुम मंजिल पर पहुँच जाओगे। क्या कहा मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, अंदर चलो, अंदर चलो, आगे पढ़ो। गुरु को मानुष जान करे भेड़ी की चलते चावे, गुरु को मानुष जान करे भेड़ी की चलते चावे, वह तो बंधन क्यों तगे जापे माया का। बड़ी ऊंची बात कह दी, ये दुनिया भेड़ चाल चलती है, भेड़ चाल क्या होती है तुम नहीं समझोगे, मैंने समझा। जब मैं एफए में पढ़ता था तो एक लाइन आ गई भेड़ चाल की, प्रोफेसर बहुत अच्छे होते थे अंग्रेजी के, मैं उनको करता, मुझे बहुत प्यार करते थे, प्रोफेसर जयदयाल साहब थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर थे, वो एसडी कॉलेज में पढ़ाया करते थे हमें, तो आ गया। मैंने कहा सर भेड़ चाल क्या होती है, कहते आपने बेटे कभी देखी नहीं, मैं कहा सर मैंने तो देखी नहीं, बकरियाँ देखी हैं। भेड़ चाल क्या है कि जब भेड़ें चल रही हैं ना, मुझे कहते मेरे टीचर साहब आप एक रस्सा पकड़ लो,
दोनों तरफ से ऐसे भेड़ों के आगे, तो पहली बड़ी भेड़ देखेगी कि कैसे करना है, वो फिर छलांग लगाएगी, उसके ऊपर से छलांग लगा के निकल जाएगी। उसके ऊपर दूसरी आएगी, वो भी छलांग लगाएगी, कहते जा पार चार बकरियां ऐसे जब भेड़े निकल जाए ना रस्से को रस्सा हटा दो, तो सारी भेड़ जितनी भेड़े होंगी सब वहाँ से छलांग लगा के ही आगे जाएंगे। यह भेड़ चाल हमारे देश में गुरुमत भेड़ चाल बन गया है। सतगुरु बाबा फकीर ने बताया, डेरे का नाम नहीं लिया, एक ऐसा डेरा है जहाँ उनका चेला जाके 5-7 सतसंगियों को नए लेकर आएगा, उसको पैसे दिए जाते थे, और अब भी भेड़ चाल है। बोले जी वहाँ पता नहीं इतनी दुनिया, वहाँ चलो मानवता मंदिर में क्या जाना, इतने सब कमरे हैं वहाँ तो कुछ बताते ही नहीं है, हमारे तो समझ नहीं आती, हमने क्या समझना, छोड़ो वहाँ क्या जाना, एक बार गए फिर नहीं गए, मेरी बात समझ गए। भेड़ चाल है, दुनिया दुनिया के माहौल को देखकर उसके पीछे चल, लाखों लोग भागे हुए हैं, कोई कहीं भागा हुआ है, कोई कहीं भागा हुआ है, कोई कहीं भागा हुआ है, गुरु के साथ बात नहीं होती। मेरे को फोन आते हैं, महाराज नाम ले, मैं कह गुरु के पास जाकर बैठो, उनको पूछो कि ये नाम जो दिया महाराज इसका क्या कराम है, फिर तो बहुत मिलते नहीं हैं। तो मैं कह फिर डॉक्टर के पास जाना क्यों, डॉक्टर के पास गए दवाई ली तो तुम जाते नहीं उसके पास, क्या डॉक्टर साहब मैंने आपकी दवाई खाई मेरा सिर दर्द हो गया, मैं क्या करूं, वो तुम्हें दवाई बदल देगा, भाई भाई ज़्यादा पावर की चल गई है, हल्की हुई हल्की चाहिए, तुम क्या फायदा हुआ उस डॉक्टर के पास जाना क्यों है जरा तो इलाज ना कर सके, बदल दो उसको। क्या कहा, मैं रहा हूँ कह रहा हूँ, लेकिन भेड़ चाल ऐसी हो गई है, रिश्तेदारियाँ आगे रिश्तेदार, अब तो जहाँ तक भी मैंने तो सुना है कि वो लोग जो एक गुरु के चेले हैं वो दूसरे गुरु के चेले के साथ लड़के लड़कियों की शादी भी नहीं करते। क्या कहा मैंने, ये तो हाल है मेरे देश का, ये हाल है, मैं अपनी सुनाता हूँ, लंबा हो जाए सत्संग कोई बात नहीं। मैं बिलासपुर गवर्नमेंट कॉलेज में था हिमाचल में, तो मेरे प्रिंसिपल बहुत बहुत प्यारे थे, मेरे ना सारे नाले प्यार रहा, तो उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे तो फॉरेन रहते थे, वो बहुत मेरी वाइफ को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, उन्होंने गुरुद्वारे जाना तो उन्हें चमचा कोल्ड रहना लंगर खान के लिए, प्रिंसिपल के वाइफ ने मेरी वाइफ को भी ले जाना, आज उठे चलना मैडम आज वहाँ चलेंगे। तो उनको फ़ोन आया ऊपर के महल्ले, ऊपर के क्या उसको बोलते महल्ला कह लो, कल को जी हमारे सत्संग है तो आप भी आइए, और मेरा तो लोगों को पता ही था, कुछ लोगों को पता था, प्रोफेसर कमल जी को भी लेकर आ, तो प्रिंसिपल ने मुझे बुला लिया, कहते कमल जी ऐसे ऐसे टेलीफोन आया है तो कल हम दोनों चलेंगे। मैं कहा सर ठीक है, बड़ी अच्छी बात है सत्संग मिले, और क्या चाहिए, तो हम दोनों चले गए। इतना ही बड़ा कमरा होगा, ये बड़ा है ज़रा, थोड़ा कम इसका घरेलू था ना, उनका ड्राइंग रूम था। तो सत्संग शुरू हुआ, उस बुज़ुर्ग ने काफ़ी उसकी उम्र थी 80 साल के करीब होगी, एक पाठ कर रहा था, वो सत्संग करता था, सत्संग नहीं था वो, मैं तो उसको सत्संग कहता नहीं। तो बात आई, सत्संग ख़त्म हो गया तो मैं उस बुज़ुर्ग के पास चला गया, मैंने कहा बाबा जी आपको राधा स्वामी, मेरे कुछ सवाल हैं, आप मेरे से पाठ कर बात करेंगे। तो जो जिसके घर में वो आए हुए थे कहते कमल जी ऐसे करते हैं, मैं बाबा जी को आपके घर ही लेके आ जाता हूँ, वही करेंगे खुली बात। मैं बड़ा खुश हुआ, ये तो और भी अच्छी बात है, मेरे घर आएंगे। मैं क्या खाना दोपहर का मेरे घर खाना, मैं तुम्हें संतों की बात, तुम्हें मैं इन चेलों की बात बताता हूँ, चेलों की, मैं कितने आदमी, 4 हो गया, मैं होऊंगा, बाबा जी होंगे, पाठी होगा, एक आदमी और होगा। मैं क्या दोपहर का खाना मेरे घर में होगा, 1 बजे आ जाना, अपने खाना तैयार होगा। तो अति दफ़ा मैं सब्ज़ी ले आया, प्रिंसिपल साहब मेरे साथ थे, तो उनको तो मैंने कहा नहीं भाई मेरे घर खाना खाओ, इवन माई प्रिंसिपल, मैं कैसे कह सकता था। 1 बजे नहीं आए, साढ़े पंजाबियों का एक रिवाज है, फिर तुहाडे घर कोई आए तो माँ की दाल जरूर बनने हैं,
पंजाब की ये कहावत है, मैंने हमारे बुजुर्ग बनाते थे कि भाई रिश्तेदार ने आना तो महाँ की दाल तो जरूरी बननी है, इन्हू बहुत अच्छा समझा जाता है। महाँ की दाल सब्जी ले आया, सर्दी का मौसम था, सब्जी बन गई, रोटी तैयार 1 बजे, बच्चे स्कूल से आ गए, ना उधर संडे था घर ही से, वो आए 2 बजे, तब टेलीफोन थे नहीं, 2 बजे आ गए, तो मैं इंतज़ार करता करता थक गया। जब वो आए, दरवाज़ा खोला, ड्राइंग रूम में उनको बिठाया, पानी पिलाया, पानी पीता, मैं कहा जी आपने तो 1 घंटा ख़राब कर दिया, टाइम की कदर होनी चाहिए सत्संग में, टाइम की कदर, जिसको टाइम की कदर नहीं है वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। टाइम जो बीत गया हाथ नहीं आएगा, याद रखना, जो सांस चला गया वो दोबारा नहीं आएगा, जो वक्त चला गया दोबारा नहीं आएगा, इस वक्त को पकड़ो, इसको काम में लगा दो, अपने मन को काम में लगा दो। तो बाबा जी क्या करते थे, ओ बुजुर्गो तुम बूढ़े हो, कोई काम नहीं तो कपड़े फाड़ के सिया करो, कपड़े फाड़े हुए सिया करो बैठ कर, ताकि तुम्हारा मन लगा रहे, मेरी बात समझ गए, टाइम नहीं खराब करना, चलो बैठ गए, बात चल पड़ी। मेरे को वो बुजुर्ग पूछते हैं, आपने बेटा नाम कहाँ से लिया? मैंने कहा बाबा जी किस नाम की बात करते हो आप, मैं तो हूँ तुम्हें पता ही है एक सतपुरुष के चरणों में बैठने वाला। मैंने कहा आप किस नाम की बात करते हो? वो मेरे मुंह पर देखे, कहते नाम तो एक ही है। मैं कहा नहीं, नाम एक नहीं है, एक वर्णात्मिक नाम है, एक धुनात्मिक नाम है। आप किस नाम की बात कर रहे हैं, वर्णात्मिक नाम की कर रहे हैं कि धुनात्मिक कर रहे हैं? वो जो वहाँ से 4th पद में जो स्वामी जी ने कहा है, जे ढूंढे तल्लो की माही, नाम रहे 4th पद माही, उसकी बात करते हो या इसकी बात करते हो? वो पाँव से हिल गया। फिर वो मुझे कहता, आपके गुरु कौन है? मैं क्या, मेरे गुरु तो सर्वव्यापक हैं, गुरु सर्वव्यापक है, किसका नाम लूँ मैं? गुरु मेरे संग सदा है, नाले सर्व समर्थ है वो। नहीं, फिर भी नाम तो लो। महाराज जी का फोटो लगा था, ये मेरे गुरु। ओहो, मेरे सतगुरु के फोटो देखकर वो तो जल भुन गया। ये 15-20 मिनट की बात है। मैंने कहा चलो अब तो 2:30 बजने वाले हैं, खाना खाओ, खाना खाओ। कहते नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। मैं क्या, अब मैं समझ गया कि आप खाना क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाड़े की मुर्गी नहीं हूँ। तुम समझते हो कि मैं आज राधा स्वामी नहीं है, मैं राधा स्वामी वास्तव में मैं राधा स्वामी हूँ, तुम नहीं हो। कड़वे वचनों में मैंने कहा, तुम राधा स्वामी नाम को बेचते हो, तुम गलत बात करते हो, सत्संग नहीं करते हो, तुम निंदा करते हो, बुराई बातें करते हो, ये करो ये करो ये करो ये ना करो ये करो, तुम क्या करते हो बाबा? मैं कहा तुम खाना नहीं खाओगे, मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन जिस देवी ने खाना आपके लिए इतने प्रेम से बनाया है वो अन्न तुम्हें श्राप देगा। कर्मचारे चले गए। मैं उठा, मैं डाकखाने गया, एक चिट्ठी पत्र लिया और 10 सवाल किए बाबा चरण सिंह जी महाराज को, 10 सवाल लिखे मैंने। मैंने कहा आपके चेले जो जो हैं ये सत्संग ऐसा करते हैं, बताओ ये ठीक है? कोई जवाब नहीं आया। जिस लेटर डाला था, क्या कहा मैंने, ये सब जाल बिछा है। अच्छी बात है, जाल बिछाया है, और लेकिन लोगों को कैदी मत बनाओ, उनको कैद से आज़ाद करो, तब तुम्हारा सत्संग है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने ओपन कहा, आई हैव कम टू लिबरेट यू, मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ, मैं तुम्हें अपने पीछे बांधने नहीं आया। तुम जिसको भी मानते हो एक को मानो, देवी को मानते हो तो देवी को मानो, मैं नहीं कहता मुझे मानो, किसी देवता को माने हो तो एक का मानो, ये नहीं कि इसको भी मानो इसको भी मानो इसको भी मानो, फिर तुम कहे कि नहीं, तुम्हारे
तुम्हारे अपने विश्वास में काम करना है, चाहे देवी को मान लो, चाहे देवता को मान लो, किसी अवतार को मान लो, राम को मान लो, कृष्ण को मान लो, लेकिन एक को मानो, भटको मत। और ये भी मान लो कि राम जो थे वो दशरथ के बेटा नहीं था, ये भी मान लो कि कृष्ण गोकुल में पैदा नहीं हुआ, वो परम तत्व के अवतार थे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अगर तुमने मान लिया कि वो राम के दशरथ के बेटे थे तो फिर तो तुम आदमी की पूजा कर रहे हो। अगर कृष्ण भगवान को मान लिया कि वो गोकुल में पैदा हुए, गोपियों के साथ रास रखते थे, तो तुम क्या कहा महाराज जी ने, तुम्हारा करैक्टर खराब हो जाएगा, यहाँ तक कह दिया था। मेरी बात, जैसा ख्याल वैसा हाल, गुरु को जिस रूप में देखोगे तुम्हें वही नजर आएगा। जास की रही भावना जैसी, हरि मूर्त तुम देखी तैसे। भावना को ठीक बनाना है, भावना को ईश्वर का रूप दो, मालिक का रूप दो, तो मैं कभी कमी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तो भेड़ चाल क्या हो गया, यहाँ लोग ज़्यादा चले हुए हैं। अच्छा वहाँ गाड़ी में जगह है, अभी आ जाओ, अभी गाड़ी में जगह है, आ जाओ। आप समझ गए, मेरे को भी किसी ने कहा, बड़ी देर की बात है, आप आ जाएंगे तो जी हम आपको उस गाड़ी में बैठाएंगे जिसमें महाराज जी बैठेंगे। मैं कहा मुझे ये, मैं कोई महाराज नहीं हूँ, मैं तो गुरु का सेवक हूँ, मैं गाड़ी में नहीं बैठता। मेरी बात समझ गए, ये तो दुनिया है, ये दुनिया को एक तरफ कर दो, अपना संसार बनाओ अपना। ये दुनिया तुम्हारे साथ नहीं चलेगी, तुम्हारा ख्याल तुम्हारे साथ चलेगा। ये दुनिया ने तुम्हारा साथ नहीं देना है, मैं आपको बता देता, ये दुनिया मतलब की है। जब तक तुम्हारे से मतलब है, तुम्हें जी हाँ भी करेंगे, चाचा भी कहेंगे, ताया भी कहेंगे, मामा भी कहेंगे। जब मतलब नहीं है तो तू कौन, तो मैं कौन। क्या कहा मैंने, मैं सच्ची कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ, आगे चलो। तुम्हारा अगर साथी है तो गुरु है, बस, और दूसरा कोई नहीं हो सकता, आगे चलो। वह बंधन को क्यों तजे, जापे माया काल है। वो असलियत को नहीं समझ सकते, पड़े लोमी की खानी, आगे चलो। गुरु नाम आदर्श का, गुरु मन का इष्ट है। गुरु नाम आदर्श का, गुरु मन का दृष्ट है। इसके आदर्श को न रखे, समझो उसे कनिष्ठ है। क्या है ये मन का इष्ट है, इष्ट जानते हैं, जिसको तुम मानते हो कि ये मेरा है और नहीं। इष्ट एक ही होता है, दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, इष्ट एक होना चाहिए। जिसको भी मर्जी बना लो, गुरु मत में गुरु है एक इष्ट है। दुनिया में धर्म में कुछ और भी इष्ट हो सकते हैं, जो धर्म है वो अलग अलग उनके इष्ट है, जिस जिसको जो लगा हुआ है ठीक है, लेकिन वो आदर्श होना चाहिए। किसका, तुम्हारा आदर्श, आदर्श होता है टॉप, जिसके ऊपर और कोई नहीं है, वो आदर्श है। तुम्हारा आदर्श क्या है, प्रकाश और शब्द, और प्रकाश और शब्द ही गुरु के रूप है, गुरु के पैर है, चरण है, शब्द गुरु का रूप है। मुझे तात्या दयाल जी, प्रेम दयाल जी महाराज ने 1972 में लिखा, सतगुरु बाबा की, मेरे पास लेटर है, गुरु शब्द को कीजिए बहते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बटवार। मतलब क्या समझाया मुझे, कि मन के जितने भी स्वाद हैं, मन के जितनी भी दौड़ है, इसको छोड़ दे और केवल शब्द को पकड़, और वो तेरे अंदर है, और वो कौन सा, जो मेरे गुरु ने मुझे बताया। मेरी बात समझ गए, इष्ट क्या होना चाहिए, गुरु। गुरु कौन सा, शब्द। एक शब्द मैं बोल रहा हूँ, एक ये भी शब्द है, एक शब्द तुम्हारे अंदर यहाँ पैदा होगा, एक शब्द तुम्हारे अंदर आगे और पैदा होगा, एक शब्द एक जो और पैदा होगा, कहीं घंटा सुनाई देगा, कहीं ओम की ध्वनि आएगी, कहीं बादल गरजेगा, कहीं बांसुरी की आवाज़ आएगी,
कहीं रारंग सारंग की आवाज़ आएगी, कहीं ओम 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 की आवाज़ आएगी और कहीं सोहंग सोह की आवाज़ आएगी। ये भी सब तुम्हारे अंदर है, लेकिन ये सारे मन के खेल हैं, ये सब मन के हैं, इससे आगे हैं वो। ये शब्द सारे तुम्हारा मन ये कान सुन सकते हैं, ये जितने शब्द मैं बोला हूँ ये तुम्हारे ये कान सुन सकते हैं, लेकिन वो शब्द जो है वो तुम्हारे ये कान नहीं सुन सकते, वो शब्द तुम्हारा तुम्हारे मन के भी कान नहीं सुन सकते, वो शब्द तुम्हारे आत्मा के कान भी नहीं सुन सकते, और वो तुम्हारे शब्द का जो सुरत है केवल सुरत उसको सुनती है, और वो यहाँ है। क्या कहा मैंने? वो यहाँ है, वो आदर्श है, वो है हमारा आदर्श। हमारा आदर्श यहाँ नहीं है, ये मन है, ये मन है, वो ये है। पिंड अंड ब्रह्मांड के पारा वह देश हमारा, ये मेरे दादा फरमाया करते हैं। ये पिंड है, ये अंड है, मन है, और ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के टॉप में तुम्हारा घर है, वो है हमारा आदर्श। तो आदर्श को इष्ट और है, इष्ट कौन है? गुरु है, उसने तुम्हें रास्ता बताया, वो इष्ट है, उसको मत भूलो, उसको अपने ध्यान में रखो, और जो उसने कहा उस पर चलते हुए यहाँ पहुँच जाओ, बात खत्म हो जाएगी। क्या कहा मैं? फिर जब तुम यहाँ पहुँच गए तुम्हें दुनिया की चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी, तुम्हारी दुनिया का इंतजाम वो खुद करेगा, क्योंकि तुम उसकी गोद में चले गए हो। तुम्हारा मन वहाँ, तुम्हारा मन वो नहीं करेगा, तुम्हारा मन वहाँ गोद में जा नहीं सकता, तुम्हारी आत्मा भी उस गोद में नहीं जा सकती, वो गोद में केवल सुरत जाएगी। मैंने बहुत ऊँची बात कह दी, तुम बड़े भाग्यशाली हो, मेरे सदगुरु के दरबार में आए हो, और वहाँ का ही मिशन मैं आपको दूंगा, वहाँ का ही रास्ता बताऊंगा जो मुझे मेरे सदगुरु ने बताया है, और वो तुम्हारा आदर्श है, इस गुरु है, आदर्श शब्द है। क्या कहा? आगे चलो। गुरु भाव घट में रहे, गुरु भाव घट में रहे, अघट सुघट की खान, गुरु भाव घट में रहे, अघट सुघट की खान, जिसे समझ ऐसी नहीं वह मूढ़ समान है। गुरु भाव घट में रहे, घट क्या है? ये और सुघट की खान कहाँ है? वो ये है, मेरी बात समझ गए? ये सहारा है, यहाँ यहाँ गुरु का सहारा है, उसके नाम का सहारा है, उसके सिमरन का सहारा है, फिर उसके ध्यान का सहारा है। जब सिमरन और ध्यान पक्का हो जाएगा तो फिर तुम सुघट में चल जाओगे। यह है वो स्थान जिसकी लिमिट कोई नहीं है। इसकी लिमिट है, शरीर की लिमिट है, मेरा शरीर कितना है? 5 फुट 2 इंच, ठीक है। मन की भी लिमिट है, मन कहाँ तक जाता है? जहाँ तक तुमने देखा हुआ है कुछ, उससे आगे नहीं जाता कि जाता है। जहाँ तक तुमने किसी चीज़ को देखा है वहाँ तक तुम्हारा मन जा सकता है, उससे आगे तुम्हारा मन नहीं जा सकता। मन की भी सीमा है, प्रकाश की भी सीमा है, प्रकाश तब तक है जब तक सूरज प्रकाश में है, बात समझ गए? लेकिन वो भी लिमिटलेस है, यहाँ नहीं है। जहाँ रात है तो कनाडा में दिन है, बदलता रहता है दिन रात, यहाँ रात है तो वहाँ दिन है, अमेरिका में दिन है इस वक्त, रात की आधी रात हुई हुई है। तो ये प्रकाश की भी सीमा है, जहाँ जहाँ से प्रकाश आएगा वहाँ प्रकाश है, जहाँ नहीं है वहाँ अंधेरा है, लेकिन सुरत की कोई लिमिट नहीं है, तुम्हारी सुरत की कोई लिमिट नहीं है, वो सर्वव्यापक है। मेरे दाता ने यही कहा कि मैं जब वहाँ पहुँच जाता हूँ तो प्रकाश को देखते हुए, शब्द को सुनते हुए, तो मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ जो शब्द को सुनता है और प्रकाश को देखता है, उसकी मुझे कोई सीमा नहीं मिलती।
तो मैं महसूस करता हूँ। माता ने कहा कि मैं सर्वव्यापक हो गया। और दादा दयाल ने लिखा है शब्द में, फकीरा रूप तेरा अति प्यारा, फकीरा रूप तेरा प्यारा। आखिरी लाइन में लिखा है तू व्यापक संसारा। इसलिए कहा गया है गुरु सर्वव्यापक है, सर्व अंग संग है, सर्व समर्थ है, उसकी कोई कमी नहीं। आपने कहा है ना सर्व समर्थ है, तो वो समर्थ है, मगर तुम उसके साथ जुड़ते नहीं हो। तुम उसके साथ जुड़ो, वहाँ कोशिश करो कि वो, इतना ही मान लो कि वो है, मेरा मन नहीं है वो है, इतना ही मान लो तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मन को तो छोड़ो कम से कम, इसकी दौड़ धूप से बचो, इसकी चंचलता को छोड़ो, इसको ठहराओ, अपने आप में ठहराओ जितना ठहरा सकते हो। इसको समझा लो कि तू मेरा साथ नहीं देना, तू मेरा दुश्मन है, तू मेरा मित्र बन जा। इस सूत्र एक शब्द है स्वामी जी महाराज की वाणी में, वो समझाते हैं मन को, ये मन मेरिया तू मेरी एक गल मान ला, मैं तेरी सौ सौ मनागी। मैं तुम्हें अगले शब्द सुनाऊँगा, अगले इतवार सुनाऊँगा, ये शब्द बहुत प्यारा है, मन को समझाती है, हमारी सुरत मन को समझाती है। तुम्हारे अंदर भी कभी कभी ऐसा ख्याल आता होगा, तुम मन को समझाते होगे कि मन तू क्या सोच लिया, सोच लो देख लो। तुम्हें खुद अंदर से कई कई दफ़ा ऐसा ख्याल अंदर से पैदा होता होगा, तुम मन को खुद समझाते होगे कि तेरा ये गलत सोचना है। तो वो कौन है समझाने वाला, वो तुम्हारी सुरत है। क्या कहा मैंने, आगे चलो। जिसे समझ ऐसी नहीं समान नहीं गुरु रूप पिछानी। गुरु का तत्व समझो, गुरु रूप नहीं है, गुरु रूप है वो है तत्व। वो क्या है तत्व, वो शब्द है, वो है गुरु का। आगे चलो। गुरु को मानुष जान करे चेला तो चित में रहे, गुरु चित के आकाश है। चेला तो चित में रहे, गुरु चित के आकाश है। एक बात याद आई फिर निकल गई। गुरु चेला तो चित में रहे, गुरु कहा रहते, गुरु रहता आकाश में। तुम्हारा तुम क्या हो वास्तव में, मन चित। मन जब ठहर जाता है तो चित होता है, मन जब ठहर जाता है तो चित हो, चित में ठहर जाना, वहाँ चिंतन शुरू होता है, वहाँ से तुम्हारी बुद्धि पैदा होती है। मन में बुद्धि नहीं है, मन तो बस चला हुआ है, दौड़ा हुआ है। जब ये ठहर जाएगा तो ये चित चित बन जाएगा, चित चित कर दिया। कहते उसको कहते चित। हम खेला करते थे ना टहनी गोले छोटे होंगे, तो वो एम करके ए मारना गोला, और दूसरे गोले देते लग गया, कहना चित कर देता। तुमने खेला होगा, मैंने खेला बचपन में, उसको कहते थे चित कर दिया भाई, इन्हें टिकाना ठीक मार दिया, ठीक है ना। तो वो चित जब बनेगा तो मन वहाँ ठहर जाएगा, ठहरेगा तो फिर बुद्धि प्रकट होगी, ख्याल। तो कहाँ सोचो, तुम जब बैठते हो अभ्यास में तो मन एक जगह चल जाता है, वहाँ पे फिर मरनी शुरू हो जाती है, होती कि नहीं होती, ख्याल चल पड़ता है। तुम उस ख्याल को काटते हो, फिर अंदर पैदा होता है, फिर ख्यालते हो, फिर पैदा होता है। वो तुम्हारी मन के साथ कबड्डी है, वो तुम मन के साथ कबड्डी खेलते हो, उसको फिर हराते हो, फिर खड़ा हो जाता है, फिर हराते हो, फिर खड़ा हो जाता है, फिर जाते ही तुम्हें जब भी पालन नहीं है तब बस तुझे चल रहे, वो फिर हिल नहीं सकता। क्या समझा मैं सुखबीर, मेरी बात समझ रहे हो, सत्संग है। तो तुम्हारा चित्त जब हो जाएगा तो चित्त फिर तुम्हें यहाँ ले जाएगा। मन से निकलो, चित्त हो जाओ, चित्त हो जाओ, चित्त ठहर जाओ, फिर कर बैठो। फिर गुरुवाणी है, फिर कर बैठो हरिजन प्यारे सतगुरु तुम्हारे काशवाणी। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैर रखी करता रहे। तू ओदा जन बन जा, तू ओदा आदमी बन जा, तू ओदा बंदा बन जा, तू ओदा सेवक बन जा, वो तेरे सारे काम आपने कर दूंगा। क्या कहा मैंने, लेकिन हम चित्त नहीं होते, हम मन के पीछे भागते हैं।
मन दे आनंद लेंदे हैं, मन दी दुनिया देखते हैं, वो इन चित करो ठहरा दो हरा दो। तो गुरु महाराज ने तो जहाँ तक कह दिया सुखमनी साहब में, मन को बेचे सतगुरु पास ते सेवक के कार्य रास। ले गल ही खत्म हो गई, उन्होंने फिर वो कम ही अपने आप होंगे है, जो मन नहीं देता उन्होंने सारा झगड़ा तो मन का है। ठीक है, बात समझ गया, वो मन आँख में बैठ गया तो गड़बड़ करेगा, कान में बैठ गया तो बुरी बुरी बातों सुनने का आनंद लेगा, खाने में बैठ गया तो हाय अभी खा ला मां अभी खा ला मां अभी खा ला मां, इसका कंट्रोल नहीं खाया, खाना खाने कंट्रोल ना सुनते कंट्रोल ना देखते कंट्रोल, तो कल्याण कितना होगा। पहले आँख की आँख को कंट्रोल करो, फिर सुनने को कंट्रोल करो, दुनिया की बातें छोड़ो, दुनिया को सुनोगे तो कभी रास्ता नहीं मिलेगा। फिर स्वाद को छोड़ो, बाबा फकीर जी महाराज ने तो हमें जहाँ तक कह दिया, बच्चा ज़्यादा रोटी स्वाद लगे तो खाना छोड़ दो, ज़्यादा रोटी ज़्यादा स्वाद लगे ना तो सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, या वो भी एक होर फुलका दे दे वो बंद कर दो, वो नहीं लेना, बस एक नाल ही गुजारा करना, नहीं डेढ़ नाल गुजारा कर लो, ये तो ज़्यादा नहीं। क्या कहा, थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, गुरु गोबिंद सिंह साहब की एक बाणी याद आई, पूरी नहीं आती, अल्पाहार स्वान सी निद्रा, अल्पाहार थोड़ा स्वान सी निद्रा, जिद कुत्ते की नींद होंगी है, कुत्ता एकदम जाग जाता, पर जो खड़ाका होया एकदम जाग जाता। कहते योगी वो बन सकता है, दूसरा कोई योगी नहीं बन सकता, ये आज बहुत अच्छा शब्द है, मुझे भूला हुआ है, स्वान सी निद्रा अल्पाहार स्वान सी निद्रा, योगी बने सो ऐसा लिखा हुआ है। महापुरुषों ने हमारे को समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हम ऐसी औलाद हैं कि सब कुछ होते हुए भी, पंजाब में गुरुओं की धरती में पैदा होते हुए भी हम भटक रहे हम भटक रहे, ये गुरुओं की धरती है, ये महापुरुषों की धरती है, मेरी बात समझ गए, इस धरती की कदर करो, इस धरती की कदर करो, तभी हमारा नाम होगा इस दुनिया में, नहीं तो नहीं होगा। आगे चेला तो चित में रहे, गुरु चित के आकाश है, अपने में दोनों लखे, अपने में दोनों लखे, गुरु बार नहीं है तुम्हारे अंदर, अपने में दोनों लखे, अपने में दोनों लखे, वही गुरु का दास, वही गुरु का दास है। ये नहीं समझना भी गुरु होशियारपुर बैठा है, या गुरु ब्यास बैठा है, या गुरु तरन तारण बैठा है, या गुरु दिल्ली में बैठा है, नहीं, अपने में लगे, वही गुरु का दास है। वो कबीर साहब ने तो फैसला ही कर दिया, जो पिछले हैं प्यारे से भटकते दर्ब दर फिरते, वो कभी इतने दौड़े हो कभी उतने दौड़े हो कभी उतने दौड़े हो, हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजार ही क्या, आने वो तो मेरे अंदर ही है, मैं कितने दौड़ा फिरा, घट में है सूजत नहीं, लान तैसी जिंद, तुलसी संसार को हुआ मोतिया पिंड, घट में हूँ खोजो मुझे, यही तो दाता ध्यान में देखा, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं न काशी मैं न मथुरा मैं न गिर कैलाश हूँ, तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया, मैं तो उसके बनते ही नहीं, हम तो अपने मन के बनते हैं, एक बारी मान लो कि मेरा वो है बस, तू ही है बस, मैनू नहीं पता, मैं चलिया आ लगा गड्डी च बैठन, मैनू नहीं पता मैं की बोल रहा, तू ही बोलना जो बोलना, की कहना मेरे लकी, मैं आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे केवल मेरे सतगुरु का सहारा है, सहारा तेरा है तेरा आसरा है, चरण में पड़ा हूँ तेरा ही आसरा है, बस और क्या है, उसी का आसरा है, ये सब उनकी कृपा है बच्चो, गुरु की कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और वो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे दिल की बात सुनता है, मन की नहीं सुनता,
नहीं तुम्हारे, इसलिए मेरे दादा ने फरमाया कि कहीं मत भटको, कहीं मत भटको। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए जिंदगी की तुम्हारी, अपने कमरे में चल जाओ, आंखें बंद करो, दिल से सच्चे होकर, दिल से, मन से नहीं कहा, मन से नहीं कहा, दिल से। दिल कहाँ है? वो यहाँ है। एक दिल ये है, ये धड़कता है, एक दिल यहाँ सूक्ष्म है, यहाँ जो फैसले करता है। ये मन दिल कोई फैसला नहीं करता, ये दिल फैसले करता है, जिसको हम सहजल कमल कहते हैं। बात समझ गए? या नीचे आ जाओ तो उसको कहते तीसरा तिल, या उसको कहते शिव नेत्र, वहाँ फैसले होते हैं। वहाँ से पुकार करो, तुम्हारी पुकार सुनी जाए। क्या कहा मैं? करके देखो, मेरी बात समझ गए? करके देखो। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आगे बढ़ो। सूरत शिष्य गुरु शब्द है, शब्द गुरु का रूप है। सूरत शिष्य गुरु शब्द है, शब्द गुरु का रूप है। शब्द गुरु की परख बिन डूबे भ्रम के कूप है। शब्द गुरु के परख बिन डूबे भ्रम के कूप है। नर जन्म गवानी, नर जन्म गवानी। आखिरी लाइन वो कहते हैं सुरत शिष्य है, शब्द गुरु है। कहीं आदमी का नाम लिया सुरत, तुम्हारी सुरत, शरीर मन और आत्मा से ऊपर तुम्हारी सुरत है। तो सुरत है तुम्हारा चेला गुरु का। तुम करते फिरते हो मेरा गुरु हो, मेरा गुरु हो, तुम झूठ बोलते हो। तुम सुरत के ऊपर जाओगे तब पता चलेगा तो गुरु कौन है, वो है शब्द। ये बहुत ऊंची बात है सर्वजीत सुखवीर, क्या कह रहा हूँ। तुम मन के रूप पर जिसको मर्जी गुरु मान लो, कोई हर्ज नहीं है, रास्ता मिल जाएगा। किसी को भी मान लो, रास्ता मिल जाएगा। लेकिन वो बाहर का गुरु जो है, उसकी यही कृपा है कि वो तुम्हें उस लेवल तक पहुँचा देता है, यहाँ तुम सुरत रूप होकर शब्द रूपी गुरु के साथ मिल जाते हो। ये है असलियत, ये है सनातन धर्म, ये है गुरु मत। और वो नहीं ऐसा करते, वो अपना जन्म वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं कि गए हफ्ते के हफ्ते, वो क्या है, भंडारा है, वहाँ जाना है, मेला लगेगा बहुत बड़ा। दिल्ली में भी कोई गुरु बड़ा भारी मेला लगता है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हारा वास्तविक अपना संपर्क सीधा गुरु के साथ नहीं होता, तुम्हारे सिर पर उसका हाथ नहीं आता, तब तक तुम्हें असलियत का ज्ञान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और तुम सिर्फ सुरत रूप में तभी पहुंचोगे जब ये वाणी को पकड़कर दुनिया के पीछे नहीं लगना, जितना वक्त हो सके। ए इंसान, जब तू अकेला बैठ, तू अपने आप की खोज कर, तू कौन है। जब भी अकेला बैठ, तू अपने आप में, तू कौन है। लेकिन ये नौजवानों के लिए नहीं है, नौजवानों के लिए बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये तो बीज डाला हुआ है मेरे सदगुरु ने मेरे अंदर, वो बीज दरख्त बन रहा है। क्या कहा मैंने? तो आप लोग उसकी साया ले रहे हैं, ले लो, जितनी देर है लेना चाहिए साया लो। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ, सेवक बनकर तुम्हारा काम कर रहा हूँ। गुरु तुम्हारा तुम्हारे अंदर है, और वो शब्द है गुरु। शब्द को कीजिए बहुते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद को ठो ठोर। लेकिन मन को सहारा देना पड़ेगा। जिसका जी चाहो सहारा दो, जिस रूप का जी चाहते सहारा दो, मन को इकट्ठा करो, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इच्छा रखो, वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई, मेरे दाता का हुक्म है। जहाँ मांग है वहाँ पूर्ति है, जहाँ मांग ही नहीं है वहाँ पूर्ति कैसे होगी। तुम जाते हो बाजार में सब्जी लेने के लिए, खास दुकान है तुहाड़ी अपनी, वो कहेगा भाऊ जी आज तो आई नहीं है, कल मिल जाएगी। वो बुक कर लेगा तुहाड़ी सब्जी, आ जाएगी। क्या कहा? आती है ना,
ऐसे ही दुआई है, कोई भी चीज़ मांगनी है तो वो तुमको मिल जाएगी। मांगो, कुदरत में सब कुछ है, ये भंडार है ऊपर वाला। तुम्हारा ख्याल जहाँ जाकर रुकेगा वहाँ से जो मांगेगा वो मिल जाएगा। क्या कहा, दुनिया चाहते हो दुनिया मिलेगी, दीन चाहते हो दीन मिलेगा। लेकिन दोनों पर हजूर सावन सिंह जी महाराज ने लिखा है कि जीवन घोड़ा है, जीवन एक घोड़ा है, इसमें दो रकाब हैं, दो रकाब हैं, दाएं पैर की और बाएं रकाब, दोनों पर पूरा वजन रखो। मैंने दोनों पर वजन रखा, दुनिया भी और दीन भी साथ साथ बनते गए और घोड़ा अपनी लाइन पर आ गया। क्या कहा मैंने, दोनों बनाना है, ये नहीं कि एक पासे हो गए, दुनिया बनी नहीं दीन बल चले गए, ना दुनिया के रहे ना दीन के रहे, एक जगह से दोनों तरफ चलो, सुबह शाम उसके साथ, दिन को काम रात को आराम, सुबह शाम उसके साथ जरूर जुड़ जाएगा आगे। गुरु ज्ञान का तत्व है, गुरु ज्ञान का सार क्या है, ज्ञान है किसका, तुम्हारे अपने आप का, समझ ज्ञान विवेक और अनुभव, ये चारों चीज़ें तुम्हारे अपने अंदर हैं और इनको गुरु जागृत कर देता है। गुरु का काम क्या है, जगाना, वो जागृत कर देता है, तुम चारों स्टेजेस निकल जाते हैं, समझ भी तुम्हारे आ गई, विवेक भी आ गया, ज्ञान भी आ गया और फिर आप में अनुभव हो गया क्यों हो, मैं तो यूँ ही बात बढ़ता रहा, ये सब कुछ तो मेरे अंदर ही था। ब्रह्मा तुम्हारे अंदर, बच्चे पैदा करने की शक्ति तुम्हारे अंदर, विष्णु तुम्हारे पेट में, तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे से तुम्हारे शरीर की कौन पालना करता है, तुम्हारा पेट, और बाहर में कौन करता है, माँ बाप, जन्म किसने दिया, माँ बाप ने, ऐसे थोड़ा देखा ब्रह्मा कहाँ है, तो माँ बाप ही ब्रह्मा है, माँ बाप ही विष्णु है जिन्होंने सानू पालन पोषण किया, फिर साढ़े शरीर में पालन पोषण हमारा पेट कर रहा है, खान भोजन देते हैं, ये बनाता है सब कुछ अंदर, तुम्हें पता भी नहीं कि बनाता है, खून बनाता है, सब कुछ बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, डॉक्टर ने जोर लगा लिया, साइंटिस्ट ने कि खून बन जाए, नहीं बनया, लेकिन थोड़े अंदर बनाने वाला बैठा, वो बड़ा होया क्या डॉक्टर बड़े हुए, सब कुछ तुम्हारे अंदर हो रहा है वो, मगर तुम उसको ढूंढते ही नहीं हो जो ये कर रहा है, तुम्हारे अंदर तो सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे अंदर ही शिव बैठा है, तुम ख्याल एक ले लेते हो उस ख्याल को एंजॉय करते हो फिर उस ख्याल को छोड़ देते हो, तुम ही तो हो और कौन है, एक ख्याल लिया उसका जो पैदा हुआ एंजॉय किया बाद में उसमें छोड़ दिया। क्या कहा मैंने, सब देवी देवता तुम्हारे अंदर है, नौ द्वारे नौ देवियां हैं, नवरात्रे होंगे नौ देवियां मानते हैं, वो नौ द्वारे ही है, नौ द्वारियां दी शक्तियां अपनी अपनी हैं, मूलाधार दी अपनी शक्ति है, इंद्र की अपनी शक्ति है, आप समझ गए, आँखों की अपनी शक्ति है, नाक की अपनी शक्ति है, कान की अपनी शक्ति है, जुबान की अपनी शक्ति है, ये शक्तियाँ हैं तुम्हारे अंदर ही तो हैं। क्या कहा मैंने, मगर हमने तो बाहर हो गए, बाहर मुखी हो गए, हमने तो अपनी धरतियों को पहचाना ही नहीं। क्या कहा मैंने, आपने वो क्या नाम है, क्या नाम था उसका जिसने आँखें बांधी हुई थी, कंधारी ओ देखो कितनी बड़ी गल है, पर सानू दसदा कौन है मुआ, उसका पति धृतराष्ट्र अन्ना था, उसकी शादी हो गई काबुल की कंधार की राजकुमारी के साथ, तो उसने कहा मेरा पति अंधा है तो मैं भी नहीं देख रहा, उसने भी आँखें बंद कर दी क्योंकि सेवादार थे सब कुछ करने वाले। तो जब महाभारत होना था, बात को ख्याल से सुनना, मैं ताकत बता रहा हूँ, तो उसने अपने बेटे को मैसेज भेजा दुर्योधन को कि दुर्योधन तू मेरे पास नग्न होके आ जा, मैं तेरे ऊपर दृष्टि डालूंगी, तेरा शरीर वज्र हो जाएगा और तुम्हें कोई काट नहीं सकेगा, मेरी बात समझे, सुना होगा आपने। तो जब वो चला नहाकर तुरने लगा तो कृष्ण जी आ गए, आगे कहते कहाँ जा रहे हैं दुर्योधन, माँ के पास, वो शर्म कर कुछ तू,
नंगा होके माँ के पास जाएगा, छोटा तो था, ये ले इसको अपने यहाँ बांध ले, नंगे होके नहीं जाना, यहाँ बांध ले, यहाँ उसके अंगोछा डाल दिया। तो गया वो, जब माँ ने आँख खोल ली, उसका बाकी शरीर सारा बच्चर बन गया, लेकिन ये कच्चा रह गया, ये कच्चा रह गया। और जब युद्ध हुआ तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन को इशारा किया कि इसके जहाँ मार जहाँ, और कहीं नहीं मरेगा। तो जब जांघों में मारा तो गिर गया, मर गया। आँख की ताकत की बात बताई है, आँख की ताकत, ये आँख की ताकत की बात बताई है मैंने। ऐसे ही हमारे वचन की ताकत है। संत जो कहता है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत भी उस जगह से जब बोलता है उसको कोई काट नहीं सकता, क्या कहा मैंने। लेकिन संत हमेशा हर वक्त नहीं संत होता, वो एक समय होता है। वो नहीं पता होता किसको भी कब हुआ वो समय, बात समझिए। वो उसकी मौत से होता है, ये उसकी मौत से होता है कि बच्चा जा तू पास हो जाएगा, ये उसकी मौत है, बात समझिए। आगे गुरु ज्ञान का तत्व है, गुरु ज्ञान का सार है। गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान का तत्व है। और बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि अपने प्यारे शिष्य को, जो उससे प्यार करता है, वो उसको उस ज्ञान का पूरा ज्ञान दे दे, वो उसके अंदर का पर्दा खोल दे, ये है ज्ञान का तत्व। आगे पढ़ो। गुरु मत गुरु गम लखे फिर नहीं भाओ भय पार, भाव से पार हो जाएगा। आगे कमल जैसी गति कमल बोते फूल वो गंदे पानी में होता है, लेकिन वो गंदा खुद नहीं होता, उसके ऊपर पानी नहीं पड़ता। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, मुझे याद आ रहा है, कमल की गति आ जाएगा याद। कमल निरालम पूरा बात जैसे जल में कमल निरालम हाँ, मुर्गा भी इंसानी है। पूरा नहीं आया, नहीं है। मुर्गा भी निशानी है, सुरत शब्द भगतागर तरिए, नानक नाम बखानी है, ये कहा हुआ। ऐसे रहो जैसे पानी में कमल का फूल, और ऐसे रहो जैसे कमल पानी में मुर्गा भी ऐसी है, वो छलांग लगाएगी नीचे तक चल जाएगी, लेकिन उसके पर नहीं बिकते नहीं, उड़ जाती है। तो हम भी ऐसे रहें दुनिया में जैसे जल में कमल निरालम, जल में जैसे कमल का फूल होता है, ऐसे रहें जैसे मुर्गापी होती है। बस दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को मिल पेट में ना हो, दुनिया में फंसो नहीं, ख्यालों में फंसो नहीं। बाबा फकीर मार कहते मैं भी फंस जाता हूँ कभी कभी, लेकिन मुझ पर कृपा है कि मैं याद आ जाती कि मैं फंस गया, मैं निकल जाता हूँ। तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि ये ख्याल अच्छा नहीं, तुम कमल का फूल बन जाओगे, तुम मुर्गापी बन जाओगे, है ना। फिर कहा है सुरत शब्द भगत सागर तरिए, सुरत शब्द के साथ लगा दो और तुम भगत सागर से पार हो जाओगे, ये गुरु नानक साहब की बात है। सुरत शब्द भगत सागर तरिए, नानक नाम बखानी है, ये गुरु नानक साहब ने नाम दिया है कि तुम जिंदगी में ऐसे रहो भाई, चिंता फिक्र सब छोड़ दो, दुनिया में रहो, दुनिया के काम करो, लेकिन इनमें फंसो नहीं, अपनी ड्यूटी करो। जब ड्यूटी करोगे कि मैंने ड्यूटी कर दी, फिर कहा कि चिंता, तुम ड्यूटी करके आ गए घर, तुम्हें क्या चिंता, क्या कहा। जो आदमी सरकारी नौकरी करता है या कोई भी नौकरी करता है, और नौकरी का काम अगर घर में भी ले आए तो घर में शांति नहीं रहेगी घर का काम घर में और नौकरी का काम नौकरी के स्थान में, दोनों काम ठीक हो जाएंगे। जो आदमी मेरे एक प्रिंसिपल थे, आपको मैं बताता, उनके दो बच्चियाँ थी, वाइफ बहुत अच्छी थी,
वो नए नए प्रिंसिपल बनकर मेरे कॉलेज में बिलासपुर आए, तो उनकी आदत थी बोलते बहुत थे और कोई भी प्रोफेसर आ गया उन्हें उठन नहीं देना, बह जा। वो मैं नंबर दो पर था तो उन्होंने मुझे बैठा लेना, तो घर से 2 बजे मैं तो देखो 12 बजे जाना भाई, 1 बजे 11 बजे जाना, 1 बजे बेले हो जाना, मेरा कॉलेज में क्या काम, अपना रजिस्टर फेंका और आ गए। ठीक है, सीधा काम। सबसे बढ़िया नौकरी टीचर की होती है, वो तो बह जा कमल यार बह जा। मैं कह सर मैं जाके रोटी खानी है। इन वो वाइफ का फोन आ गया, यार आ जाओ खाना ठंडा हो रहा। उन्होंने गुस्से नाल बोलिया, बहुत गुस्सा, मैं यहाँ बैठा हूँ काम कर रहा हूँ, तुम्हें खाने की पड़ी है ये गल हो गई। मैं कह सर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपकी धर्मपत्नी ने आपको बुलाया, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, उठो घर जाओ, उनको सुख होगा, बच्चे भी खुश होंगे, खाना खाओ आराम से। वो नहीं कमल तू नहीं जानता यार, तेनों की पता मैं बड़े काम करने, काले काम करने, कोई काम नहीं, प्रिंसिपल को तो कोई काम ही नहीं है, बाबू आएंगे सवेरे दस्तखत करवा लेंगे जो करवाना, बस घर ख़त्म हो गई, बाकी घर जाओ टेलीफोन आ जाएगा काम कर दो। ठीक है, मैंने किया सारा काम, उसकी ट्रांसफ़र धर्मशाला शिमला हो गई, बस वही दिमाग में ही टाइड ऑफ हार्ट अटैक, उसकी डेथ हो गई। कहा के लिए दुनिया के सारे चक्कर अपने दिमाग में रख लिया, मैं प्रिंसिपल बन गया, मैं ये करना मैं ये करना, वो कहना करना कुछ भी नहीं कम, प्रिंसिपल का की कम होंगे, हेडमास्टर का की कम है, सारे पढ़े लिखे थोड़े अंडर कम कर रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटी सारे कर रहे हैं। ऐसे जब बच्चे काबल हो जाएं फिर बंदे ने पीछे तू आ कर वो तू आ कर, नहीं नहीं करना, बच्चे दुखी हो जाते, मैंने पता आई नो इट। मैं बच्चे डैडी तुसी दादा जी तुम पुराने जमाने की गल है, मैं बेटे मैं तो तदी चुप बैठा। मैं आपकी बात में दखल नहीं देता हूँ, मुझे पता है, मुझे तो टेलीविजन नहीं लगाना आता, ये टेलीविजन किदा लगती है। मैं शाम को उन्होंने कहना हूं वो गुरबाणी चल रही है, मैं अद्धा घंटा सुनता हूं, मैंने जरा लगा के दे दी, बात समझ गए, क्योंकि गुरबाणी से मेरा प्यार है, गुरु हैं वो बोल रहे हैं कुछ, उसमें बड़ी अच्छी बातें बताते हैं। मेरे गुरु तो अब शरीर रूप में नहीं है, वह तो मैं अपने अंदर में रखता हूँ, वो तो अंदर में रखता हूँ, लेकिन चिराग तो तेल तो बाहर से मिलता है, उसका तेल बाहर से मिलता है, उसको डालते चलो तेल चलता रहेगा, अगर तेल ख़त्म हो गया तो सत्संग नहीं करोगे तो तुम्हारा तेल ख़त्म हो जाएगा। सत्संग तेल है दिया जलाने वाला, तुम्हारे अंदर में जागृत पैदा करता रहता है, आखिरी लाने पड़ दो। राधा स्वामी सतगुरु संत ने कही बात समझाए, अब राधा स्वामी दाता दयाल अपने गुरु को कह रहे हैं, राधा स्वामी संत ने कही बात समझाए, मैंने सतगुरु बाबा फकीर जी की महाराज की गद्दी से आपको हर तरह से इस सत्य को समझा दिया है, अब इसको समझना इस पर चलना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, मेरा तुम्हें इशारा करना है, मेरा तुम्हें हौसला देना, चल जा बच्चा सूली, बाबा जी कहा करते थे, बच्चा चल जा सूली, क्या ये सूली है अंदर की, क्या कहा मैंने, तो हौसला करो, अपने गुरु पर विश्वास करो, वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। आगे जो नहीं माने बचन को उरज उरज उरझाए, जो वचन को नहीं मानेगा कभी इधर दौड़ेगा कभी इधर दौड़ेगा कभी इधर, ना वो इधर का ना उधर का। मैंने आप लोगों की सेवा में गुरु के रूप को प्रकट कर दिया है और वो बाहर नहीं है, बाहर से तुम्हें इशारा मिलेगा, उसको नहीं छोड़ना, अपने आप ही ठेका ले लें, अगर मैंने हूँ उत्थे जाने की लोड़ नहीं है, जब तक जिंदगी है मैं अपने सदगुरु से जुड़ा रहूँगा, सेवा करता रहूँगा, क्योंकि ये सेवा ही मेरे गुरभक्ति है, क्या कहा मैंने। इसलिए ऐ बच्चों मेरी बात को समझो, ये कथा नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये असलियत है जो मैंने आपके चोली में डालने की कोशिश की है। मत भटको, ठहरो, आज 5 मिनट बैठो, कल 10 मिनट बैठो,
फिर 15 मिनट बैठो, जितना बैठो सुबह शाम बैठने की कोशिश किया करो, अपने आप के लिए बैठा करो। संसार का काम सवेरे करो, दोपहर को करो, जितना मर्जी करो, लेकिन सुबह शाम अपने आप को भी दया करो। ये ज़िंदगी उस मालिक की है, इसको मालिक के नाम पर ज़रूर लगाया करो। क्या कहा मैंने, दुनिया की मत बनाओ, जो ज़िंदगी उसकी है तो उसकी ज़िंदगी उसके लिए भी 5 मिनट दिया करो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामना। आपको शक्ति मिले बात को समझने की, इस पर चलने की, और आपके घरों में सुख हो, शांति हो, धन आपको धन मिले, आपको इज्जत मिले, आपको तंदुरुस्ती मिले, आपको कोई कमी ना रहे, यही मेरी शुभकामना है। सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।